दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर और बड़ी अपडेट्स की। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का समायोजन को लेकर बड़ी अपडेट्स और जानकारी, जिसमें कहा गया विशेष कार्मिकों की सूचना भिजवाने को लेकर, और इसमें बड़ी बात कही गई है वो है कि अधिशेष कार्मिकों के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। तो जैसा कि कार्मिकों की सूचना भिजवाने के संबंध में परिपत्र जारी किया गया था 6/9/2024 को, अधिशेष कार्मिकों के दिशा निर्देश भी तय किए गए थे, जारी किए गए थे। अधिशेष कार्मिकों के निम्नलिखित प्रारूप में अधिशेष होने की दिनांक सहित सूचना व समस्त अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची एक्सेल शीट में प्रारूप में चाही गई थी। उक्त सूचना एरियल फॉन्ट और फॉन्ट साइज 11 तत्काल ईमेल के जरिए भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यानी सूचना तो मांग ली गई है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अपडेट ये रखी गई है कि इस संबंध में यह सूचना प्राप्त होने तक अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में पूर्व में जारी किया गया कार्यक्रम आगामी निर्देशों तक स्थगित किया जाता है। तो ये एक बड़ी खबर है कर्मचारियों के लिए कि सरकार ने जो नियम कायदे पहले जारी किए थे या जो कार्यक्रम टाइम फ्रेम समय सारणी जारी की गई थी, यानी 18 सितंबर से शुरू के 26 सितंबर तक आदेश जारी करने की जो कार्रवाई होनी थी उसी को लेकर अपडेट है कि सूचना तो मांग ली गई है अधिशेष कार्मिकों के लिए निम्नलिखित पर्व में अधिशेष होने की दिनांक सहित सूचना तो जो भी है भेजने के लिए कहा गया कि भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है कि सूचना प्राप्त होने तक अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में पूर्व में जारी किया गया कार्यक्रम आगामी निर्देशों तक जो है स्थगित किया जाता है। यानी कि अब जो है ये जो समायोजन की कार्रवाई है फिलहाल टाल दी गई है, और नवीन कार्यक्रम जैसा कि लिख दिया गया है कि नवीन जो कार्यक्रम रहेगा वो आपके अलग तिथि के संबंध प्रत्यक्ष से अवगत करा दिया जाएगा, जल्द भी नवीन कार्यक्रम आएगा। कुल मिलाकर यह है कि शिक्षा विभाग एक बार फिर यू टर्न लिया है, फिर से अपने ऑर्डर को रद्द करना पड़ा। जब पहले ऑर्डर जारी हुआ था रद्द हुआ था, अब दोबारा फिर से जो है रद्द करना पड़ा है। और यह सूचना का प्रारूप था, इसमें सूचना मांगी गई थी सरप्लस टीचर जो थे, और इस संबंध में जो है ये बड़ा अपडेट है कर्मचारियों के लिए। एक बार फिर समायोजन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, नवीन कार्यक्रम तिथि अलग से अवगत करा दिया जाएगा, पूर्व में जारी कार्यक्रम दिशा निर्देशों को जो है स्थगित कर दिया गया है। और इसके साथ ही नोट भी लिखा गया है संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अधीनस्थ कार्यालय से पदनामवार सूचना प्राप्त कर समस्त पदों की सूचना जो है प्रारूप फॉन्ट व साइज में तत्काल इस कार्यक्रम उपलब्ध कराएं। समस्त नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीन कार्य अधिशेष कार्यक्रम की सूचना तत्काल संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्यालय विद्यालय की प्रत्येक पत्र सूचना इस कार्य की मेल आई डी पर प्रेषित नहीं की जाए। तो ये एक बड़ा अपडेट है समायोजन को लेकर, जो मसला चल रहा था सरकार ने फिर समायोजन को एक बार स्थगित कर दिया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि समायोजन की कार्रवाई से पहले अभी कई काम जो बाकी है, जैसे 6D है, DPC है। और इसी को लेकर एक और अपडेट बताएं तो पदों की जो बात करें तो पद कई जगह प्रारंभिक में या माध्यमिक है तो पद खाली भी नहीं है, रिक्त भी नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने जो भी निर्णय लिया है अब उसको वापस बदल दिया है, यानी यू टर्न लिया है, और कार्मिकों की सूचना तो मांगी गई है लेकिन जो कार्रवाई होगी आगामी आदेशों तक इसे स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट समायोजन को लेकर। धन्यवाद।